वो बंदा ना हमें कहता है हमारी कनाडा की आन बान शान, भाई सब दिल खुश हो गया। हेलो मैम, व्हेन आर यू गोना कम डाउन फॉर डिनर? आई वांट टू बुक योर टेबल। आई डू नॉट नो, बट आई एम द डिनर सर्विस पर्सन। कैसे कर रही है ये गंदी बच्ची, बार बार मेरे मम्मा डैडा को फोन करके तंग कर रही है, उनको आराम भी नहीं करने दे रही। नो, अब इतना ना करो, वो फोन ही ना उठाए, आइए दादा तक नहीं करना। And then Nanu was like, "Is it possible to get an Arya?" We're like, "I'm like, no, it's not." And then when I was like, "Is there a lady in your room?" Under the lady. तू बहुत गंदी हो गई है, बहुत गंदी हो गई। ये देखो कैसे कर रही है। Hello जी, welcome to another video. वीडियो की शुरुआत हो रही है शाम के 6:30 बज रहे होंगे अब तो, सफर के टाइम पे। ये रोटी है, यहाँ की रोटी कैसी है? रुमाली रोटी टाइप लग रही है। एक दे दे छोटी, पहले देखते ना सब्जी कौन सी है। चलो बस दैट्स इट। अरे ठीक है, पहले देख तो लेना। हाँ ये मैं, मेरे को समझ नहीं आया था ये उठाते कैसे हैं इसे। अच्छा अच्छा, What do you have in there? ये है तुम यम सूप, जस्ट आपका फेवरेट। अरे अच्छा होता है, ये डाल ले थोड़ा थोड़ा। तुम यम सूप बहुत अच्छा होता है। और क्या क्या है? स्टीयर फ्राइड बीफ हम खाते नहीं, ग्रिल्ड फिश, वो है वेजिटेबल हक्का, ओ नूडल्स, दैट्स नूडल्स। ट्राई कर ले थोड़े से। बस पालक पनीर है। अच्छा, आइया कह रही है उधर पालक पनीर है। खाना बहुत ही स्वाद था, खाना खा के अब हम निकल आए। मम्मी अपन ही आ रहे थे, आर लिटिल टायर्ड। आज हमने उनको बड़ी देर लाइन में लगा दिया, तो थोड़े से टायर्ड है। आइया नीचे जाना था बेटा, नीचे जाना था लाडो, आपने ऊपर का प्रेस कर दिया। सो हम अब जा रहे हैं दुबई फाउंटेन, दी दुबई फाउंटेन जाके रौनक मेला, लाइटें, म्यूजिक, थोड़ा बहुत वॉक करके जाते हैं, खाना डाइजेस्ट करेंगे। या 5-7 मिनट लगे हैं, कैब मिल गई है लेकिन। हाँ। है ना, बहुत बिजी है, बिजी नाइट में यार, दुबई तो इतना बिजी है नाइट में। इट्स थर्सडे टुडे। ओ देख, ओ वाओ, दिस स्ट्रीट, दिस होल स्ट्रीट, Oh my God! What street is this? देख रहे हैं क्या? हम कहीं पे एंटर कर रहे हैं किसी होटल में या ओह माय गॉड, आइए देख रहे हो ये बुर्ज खलीफा। हाँ ये बुर्ज खलीफा सामने है। क्या नजारा है जी, ये तो ये ऐसा माहौल मैंने कहीं नहीं देखा। ओह माय गॉड, दुबई इज अ लाइवली प्लेस, लाइवली। हम वो सामने ऊपर से आए हैं, उधर से घूमते हुए फाउंटेन शो चल रहा है, लेकिन हम ना नेक्स्ट वाला देखेंगे। वी आर जस्ट वॉकिंग टुवर्ड्स इट राइट नाउ। अमेजिंग, ब्यूटीफुल। हमें बड़ा अच्छा स्पॉट मिल गया, अब अगले वाला जो होगा शो वो देखेंगे आराम से। पूरा नज़ारा देखो जी, यहाँ यहाँ तो रात जमा है। ओ कितना कैमरा ऊपर करना पड़ता है तब जाके दिखता है। नेहा जी क्या कह रहे हो आप? अलग ही वाइब है। आइए को हमने यहाँ बिठा दिया है, एंड वील सी द नेक्स्ट शो। हाँ ये दिखाते हैं ना तुम्हारे पास से जाके, इसके टिकट मतलब उतना वहां से भी देखना यहाँ से भी। ओह
होने वाला स्टार्ट। तो स्टार्ट हो गया जी, शो स्टार्ट हो गया। और ना जो झरने हैं वहाँ से आप हल्की हल्की स्मोक देख रहे होंगे निकलनी स्टार्ट हो गई है फाउंटेन से। तो आई थिंक वो ना नया ब्लो आउट करते हैं। ओ आ गया, शुरू हो गया जी। Just water me, eh? Amazing. Oh. आ गया जी। शो होता है 5 मिनट का, लोग इतना बेसब्री से इंतजार करते हैं, लेकिन क्या नजारा है यहाँ यार। मैंने ऐसी नाइट लाइफ नहीं देखी कभी। हम लोग कभी क्लब्स वगैरह में कहीं नहीं गए, कभी हमने कोई जो है ना पार्टी कुछ नहीं करा। दिस इज फर्स्ट टाइम हमने नाइट में बाहर आके सफर के बाद भी हैव एंजॉयड। तो ऐसा लग रहा है कोई सोता ही नहीं है। हाँ ये तो शाम वैंकूवर में जाके की बहुत हैपनिंग लाइफ है, लेकिन ये है बट यहाँ पे रह के ऐसा लगता है कि लोग शाम से, आप देखो ट्रैफिक कितना हो जाता है रोड पे। हम कैब वाले से बात कर रहे थे, वो कहता है रात को 8 बजे के बाद तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है। और होटल में कितना बिजी था, होटल के बाहर निकलते ही टैक्सी पे इतने सारे लोग थे, टैक्सी के लिए वेट कर रहे थे। काफी भीड़ भाड़ है यहाँ पे, मतलब मैं कह रहा हूँ यहाँ कोई सोता है इतने? देखो बच्चे बच्चे सब इस टाइम बाहर है। मे बी देर ऑल ऑन हॉलीडे में यहाँ वेकेशन, बाकी के मुल्कों में ठंड है इस टाइम एंड आल्सो हॉलीडे सीजन है वहाँ। बेस्ट टाइम टू कम है। हमारे तो आइया को बहुत शौक था आने का यहाँ पे। आइया ने ना एक्चुअली यूट्यूब पे बड़ी वीडियोस देखी दुबई की, तो उसका बड़ा मन था आने का। तो अपने उसको इसी यही बात से मना के इंडिया लेके गए थे कि हम वापसी पे दुबई रुकेंगे। लोग इस व्यू के लिए मतलब वाकई हर एंगल से कैप्चर फोटो खिंचवा रहे हैं। दिस फाउंटेन शो कांट डू जस्टिस ऑन वीडियो कैमरा। आई वुड से 5% ऑफ व्हाट यू एक्चुअली सी, जिन्होंने देखा है वो आई एम श्योर कैन रिलेट टू दिस, दैट्स राइट। बट जो जिन्होंने नहीं देखा वो आके मतलब आके देखो, करके 5-4 मिनट का शो इज लाइक मन करता है चलता जाए। वाकई हमारी कनाडा की आन बान शान टिम हॉर्टन्स आ गया सामने। ढाबा हमारा ढाबा टिम हॉर्टन्स देखो। ओ तेरी ये देख हालत। ओ भाई साहब ये भी है 5 गाइस सामने। ये भी हमारे वहाँ का कनाडा का ही है, मतलब आई डोंट नो ओरिजिनली कहाँ का है बट कनाडा में भी है आई शुड से। भैया दुबई के बहुत लोग हैं जो कनाडा जाना चाहते हैं, लेकिन ये देखो हमें काफ़ी सब्सक्राइबर्स मैसेजेस करते हैं, लेकिन दुबई को छोड़ना नया कह रही है ऐसे छोड़। दुबई को छोड़ के कनाडा जाने का मतलब है कि वेगस छोड़ के आप सस्कैचुअन चले गए हो, कुछ भी नहीं है जहाँ। आई लव दुबई की पूरी लाइटिंग है जिसके लिए लोग यहाँ दीवाने हैं और पिक्चर्स क्लिक करवा रहे हैं। आई डोंट थिंक वी एवर गेट द व्यू, क्लियर व्यू ऑफ दिस। वी ट्राइड कपल टाइम्स लेकिन इतना क्लियर इसमें से निकल ही नहीं सकता, कोई ना कोई बीच में हमेशा होगा। भैया हमें लग रहा है हम रात को घर नहीं जा सकते, यहाँ देखो हालत भाई साहब। क्या कमाल है नेहा, सच में भाई साहब दिल खुश हो गया। वॉक करके ना दुबई मॉल से हम सारा पीछे से वहाँ से वॉक करके बाहर आए हैं, टैक्सी इधर मिलनी है, ये टैक्सी स्टैंड है एंड क्या नज़ारा है। ओ मतलब ही नहीं यार, देहा देहा ठंड में तुम्हारा मन ही नहीं करता इतना चलने का। हाँ और यहाँ पे इतना अच्छा है वेदर इस टाइम। आहो ए खड़ा ही है पूछ लीजिए। वाह फर्स्ट डे इन दुबई कैसे निकले, रात के 10 बजे घर आए हैं, बड़ी मुश्किल से कैब मिली थी। वाकई ओ माय गॉड अमेजिंग। सो हुआ ये कि जब हम बाहर निकले ना फाउंटेन वगैरह का शो देख के दुबई मॉल पूरा घूम के, तो वहीं पे सारे टैक्सी वाले इकट्ठे होते हैं और अगले मुंह मांगे दाम मांगते हैं, और हर कोई मांग रहा 50 दिरहम 60 दिरहम।
और जबकि हमारा होटल इतना पास है, ओनली 8 मिनट्स की वॉक है। वो तो हमारे साथ आया है, थकी हुई थी तो हमने वॉक नहीं करा, नहीं तो मैं और नेहा तो इतनी आराम से वॉक कर जाते हैं। तो नेहा कहती बच्ची थकी, दैट्स ओके। सो 4 मिनट्स की होती वॉक तो मैं कर लेती, 7 मिनट्स हैं। हुआ ये, वो बंदा ना हमें कहता है, एक गाड़ी आई, मैंने हाथ देके रोका टैक्सी, कहता है टैक्सी टैक्सी बैठ जाओ। बैठ के कहता है कि 50 दिरहम। मैं कहा इज दिस अ टैक्सी बिकॉज इट डजंट लुक लाइक, नेहा ने मेरे को इशारा किया पूछ, तो मैंने पूछा, कहता है इट्स एन ऊबर, सो 50 दिरहम। मैं कहा नो, मैं 14 दिरहम दे के गया था यहाँ से। मैं कहा नो यू नो बट जस्ट ड्रॉप अस, वी हैड टू गो टू P1 टू ग्रैब द डेजर्ट। ओ या द फॉर द कॉल 10 बजे है अभी, P2। सो हमने ना, मैंने उसको बोला कि हम तो 14 दिरहम दे के आए थे, कहते नो नो। मैंने कहा फिर छोड़ दे यहीं पे। तो अगला कहता है मैं तुम्हें वहीं छोड़ूंगा जहां से मैं तुम्हें लिया था, नहीं तो आई विल हैव टू चार्ज मिनिमम चार्ज। तो बेचारा 10 मिनट ना ट्रैफिक पे खड़ा रहा और हमें उसने वहीं छोड़ा जाके, फिर हम वहां से, हाँ चलो उसकी समझदारी है, बंदा होता तो कहता यहीं उतर जाओ, उसको टाइम बचता उसका, तो वो हमें वहीं उतार सकता था, पर ठीक है उसकी मर्जी। लेकिन हम तो बट दिस इज समथिंग टू लर्न इन सिटीज लाइक दिस, यू नो उबर और टैक्सी सर्विसेज में आपको, यू नो दे ट्राई टू से ये रेट वो रेट, अपने मुंह मांगे दाम मांगना चाहेंगे, बट इफ यू आई मीन गेस चेंज योर लोकेशन और ट्राई टू वॉक इन दिस इज P3, वी आर गोइंग टू P2, डाउन टाउन से निकल जाना चाहिए। सो मैंने आते हुए रास्ता देख लिया था कि वो डाउन टाउन किस तरफ आया था, मैं एक सिग्नल हम क्रॉस करके डाउन टाउन के बाहर आए, मैंने वही ऐप लगा के, वही वाली ऐप से मैंने फिर से कैब बुक करी, 1 मिनट में कैब आ गई और हम $14 दे के वापस आ गए। मैं बार बार डॉलर निकलता हूँ, दिरहम्स दे के वापस आ गए। हाँ बहुत चलना पड़ा उनको, वो थक जाते हैं। लेकिन नेहा अगर वो साथ होते तो हम इतना वॉक ना करते, हम पहले ही निकल जाते हैं बाहर। यार ये भी है, हाँ तो हम आए हैं फिर से कॉफी पीने थोड़ी सी यहाँ पे। When is my turn to start living?